दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में रेडमी की नोट 10 सीरीज लॉन्च हो चुकी है और दोस्तों इसकी जो सेल है वो जल्दी आने वाली है इसी महीने। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा रेडमी के नोट 10 प्रो और नोट 10 प्रो मैक्स के बारे में। दोस्तों इन दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहेगा और दोस्तों इन दोनों में हमें क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, दोस्तों सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल सके कि अगर आप रेडमी का नया फ़ोन लेना चाहते हो इन दोनों में से तो आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहेगा और किस फ़ोन में आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे दोस्तों आपके पैसे वेस्ट नहीं आए और आप एक अच्छा फ़ोन खरीद सको रेडमी की तरफ से। तो दोस्तों वीडियो शुरू करूँगा उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो या फिर दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बताता हूँ और आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ कि आपको इनमें से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए इस महीने में जो इसकी सेल आने वाली है उसमें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों की सेल की। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी जो फर्स्ट सेल है रेडमी नोट 10 प्रो की वो है दोस्तों 17 मार्च को इसकी फर्स्ट सेल स्टार्ट होगी अमेजन के ऊपर। और दोस्तों ये प्रो मैक्स है उसकी सेल स्टार्ट होगी अगले दिन 18 मार्च को। दोस्तों ये है इनकी सेल का टाइम, जो दोस्तों इन दोनों में एक दिन का डिफरेंस है। अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों की प्राइस की। दोस्तों रेडमी नोट 10 प्रो का जो बेस वेरियंट है, जो पहला वेरियंट, जिसमें दोस्तों आपको मिलता है 6GB 64GB का कॉम्बिनेशन, जिसका दोस्तों ये प्राइस वो है 16,000 रुपये। और दोस्तों वहीं प्रो मैक्स की बात करें तो दोस्तों उसमें भी आपको सेम 6GB और 64GB मिलता है, उसके दोस्तों बेस वेरियंट की प्राइस है 19,000 रुपये। तो दोस्तों 16,000 रुपये उसकी प्राइस है और 19 इसकी है, 3,000 रुपये का डिफरेंस है। तो दोस्तों 3,000 रुपये काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब आप 3,000 रुपये में दोस्तों हमें क्या नया देखने को मिलता है प्रो मैक्स में और क्या कम मिलता है प्रो में, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं इसके कैमरा की। रेडमी नोट 10 प्रो है, इसका दोस्तों ये मेन कैमरा है वो है 64 मेगापिक्सल का, और दोस्तों इसका जो कैमरा है प्रो मैक्स का वो है 108 मेगापिक्सल का। तो दोस्तों कैमरा इसका डबल है, काफ़ी ज़्यादा है इसका प्रो मैक्स वाले का जो मेन कैमरा है। बाकी दोस्तों ये तीन कैमरे हैं वो दोस्तों सेम है, और दोस्तों फ्रंट कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का दोनों में, प्रो में भी दोस्तों 16 मेगापिक्सल का है और प्रो मैक्स में भी दोस्तों 16 मेगापिक्सल का है। तो दोस्तों हमें इसमें अभी एक डिफरेंस देखने को मिलता है, जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का प्रो में और प्रो मैक्स में है 108 मेगापिक्सल का। अब दोस्तों आगे बात करते हैं प्रोसेसर की। तो दोस्तों दोनों ही फ़ोन में हमें स्नैपड्रैगन के 732G प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, जो दोस्तों एक सिर्फ 4G प्रोसेसर है, जो हमें इससे पहले पोको के एक्स सीरीज में देखने को मिला था। अब दोस्तों बात करते हैं चार्जिंग की और चार्जर की। तो दोस्तों दोनों ही फ़ोन में हमें 33 वॉट का फास्ट चार्ज देखने को मिलता है मोबाइल के साथ, और दोस्तों दोनों ही में हमें 5020mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। और दोस्तों डिस्प्ले की बात की जाए तो दोनों ही फ़ोन में हमें 6.67 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, प्लस दोस्तों फुल HD के साथ आती है, और दोनों ही फ़ोन में हमें 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। तो दोस्तों अभी तक हमें सिर्फ एक डिफरेंस देखने को मिला है, वो दोस्तों रियर कैमरा का जो मेन कैमरा है बस। अब दोस्तों बात करते हैं आगे साउंड क्वालिटी की। तो दोनों ही में हमें दोस्तों डुअल स्टीरियो साउंड क्वालिटी देखने को मिलती है। और दोस्तों अगर इसकी प्रोटेक्शन की बात करें तो दोनों फ़ोन में हमें फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 5 और बैक में हमें फ्रॉस्टेड बैक का जो ग्लास होता है उसका दोस्तों प्रोटेक्शन देखने को मिलती है दोनों ही मोबाइल के अंदर। तो दोस्तों जब आप इनका कॉम्बिनेशन देख रहे हो दोनों में सेम है, सिर्फ कैमरे को छोड़ के सेल्फी कैमरा तो दोनों का सेम है, सिर्फ दोस्तों ये मेन कैमरा है रियर कैमरा उनमें दोस्तों डिफरेंस देखने को मिलता है। और दोस्तों दोनों ही फ़ोन में हमें काफ़ी अच्छे अच्छे डिजाइन देखने को मिलती हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे कलर देखने को मिलते हैं। साइज दोस्तों दोनों का सेम है, प्रोटेक्शन दोनों ही सेम है, चार्जर सेम है, कैमरा दोस्तों जो फ्रंट है वो सेम है, सिर्फ बात आती है मेन कैमरा की जो रियर कैमरा। तो दोस्तों अगर आपको रियर कैमरा एकदम बढ़िया चाहिए तो आप 3,000 रुपये एक्स्ट्रा डाल सकते हो प्रो मैक्स को लेके, नहीं तो दोस्तों 64 मेगापिक्सल कैमरा काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप सोच रहे हो कि 3,000 रुपये दोस्तों मैं एक्स्ट्रा क्यों डालूं तो आप दोस्तों रेडमी का नोट 10 प्रो ले सकते हो, जो दोस्तों आपको 3,000 रुपये कम में मिल जाएगा। और दोस्तों देखने में कोई बता नहीं सकता कि आपने प्रो मैक्स लिया हुआ है या फिर सिर्फ प्रो लिया हुआ है, क्योंकि दोस्तों देखने दोनों सेम है, डिज़ाइन सेम है, साइज सेम है, बाकी दोस्त सब कुछ सेम है, सिर्फ एक कैमरे का डिफरेंस है, जिसके लिए आपको सिर्फ 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे सिर्फ कैमरे को इम्प्रूव करने के चक्कर में। तो दोस्तों मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप एक नया फ़ोन लेने सोच रहे हो, आपको रेडमी के नोट 10 सीरीज़ में से कोई फ़ोन लेना है
दोस्तों आप सिर्फ नोट 10 प्रो को लीजिए, प्रो मैक्स से चक्कर बना पड़ेगा दोस्तों। दोनों ही फ़ोन 5G नहीं है, दोनों ही फ़ोन सिर्फ 4G हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक में 4G मिलता है या फिर एक में 5G मिलता है तो आप उसमें एक्स्ट्रा पैसे इन्वेस्ट करो। आपको दोनों फ़ोन में 4G सपोर्ट मिलता है, तो आप 3000 रुपये कम बचा कर 3000 रुपये दोस्तों अपने सेव करके रेडमी नोट 10 प्रो ले सकते हो, जिसमें दोस्तों आपको सेम फीचर देखने को मिलते हैं सिर्फ़ एक कैमरे को छोड़ के। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो चुका होगा और आपको एक बेटर आइडिया मिल चुका होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।